हे गाइस वेलकम बैक टू बेसी एकेडमी वंस अगेन सो टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर टू सो इट इज़ वेरी इजी सो लेट्स स्टार्ट इट तो हमारा क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं हमने क्वेश्चन नंबर वन जैसे देख लिया था अभी हमारा क्वेश्चन नंबर टू है ठीक है थीके? तो देखो क्या है देंथ ब्रथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर फाइव मीटर फोर मीटर थ्री मीटर रेस्पेक्टिवली हमारा एक रूम का लेंथ बर्थ हाइट दे रखा है जो कि फाइव मीटर फोर मीटर थ्री मीटर है ठीक है अब उस चीज़ को हम गिवन में लिखेंगे सबसे पहले जिस तरीके से हमें लिखना होता है उसी तरीके से हम लोग आपको इस वीडियो में समझाते रहते हैं तो सबसे पहले चीज़ है कि हमारा जो लेंथ है वो है पाँच मीटर का ठीक है और जो हमारा बर्थ है वो कितने मीटर का है फोर मीटर का और जो हमारी हाइट है वो तीन मीटर की है अब हमें क्या फाइंड आउट करना है लेसन केयरफुली जहाँ पर भी स्टूडेंट्स कुछ बच्चे बोलते हैं हम किसको अपना हाइट माने किसे हम अपना लेंथ माने तो सुनो जहाँ पर आपको रिस्पेक्टफुली दे रखा है या नहीं भी दिया हो तो आप समझ लो लेंथ ब्रेथ हाइट के लाइन से जो होगा एकदम स्ट्रेट पोजिशन वैसे ही आपको करना है सो लिस्ट केयरफुली जो आर आई एम सिंग टू यू अब हमें क्या फाइन आउट करना है हमें हमने क्या करवाया गया मेरे घर पर अपने लिए वो ध्यान से सुनना ठीक है अब सुनो फाइन द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सेलिंग एट द रेट ऑफ सेवन पॉइंट फाइव जीरो पर मीटर स्क्वायर ठीक है हमने अपने घर पे वाइट वॉशिंग कराई और इसका जो कॉस्ट है उसका वो कितना है सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो पर है ठीक है एक कमरे का जैसे ए, एक मीटर का एक मीटर स्क्वायर का कितना रुपए ले रहा है सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो सात रुपये पचास पैसे ठीक है अब देखो पहले तो हम आ, वाइट वॉशिंग जब भी हम लोग अपने घर में पेंट कराते वाइट वॉशिंग मतलब पेंट करवाना ठीक है आई थिंक so, सो आपको नज़र आ रहा होगा ठीक है जो हम पहले तो अपने घर में वाइट वॉशिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स ठीक है वाइट वॉशिंग जो करवाते हैं तो आपने कभी देखा है क्या हम कभी अपने ज़मीन पर करवाते हैं क्या वाइट वॉशिंग पेंट करवाते हैं नहीं करवाते यानी कि हम इनमें से एक चीज़ घटा देंगे और वो कि क्या कुछ भी घटा दो लेंथ लेंथ, लेंथ जो हम फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूवर्ड का लेते हैं या फिर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यू इज इक्वल टू टू इंटू रुको रुको एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल यही है फॉर्मूला ध्यान से देख लो यही है वो फार्मूला बिल्कुल तो अब इस चीज को ध्यान से सुनना ठीक है ध्यान से सुनना ये जो मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम लिखा है इसका क्यूबोर्ड का क्योंकि हमारा एक घर नॉर्मली सबका क्यूबोर्ड शेप का, क्यूब का होता है तो हम अपने हम अपने घर में कभी पेंट करवाते हैं तो हम सिर्फ अपने सरफेस जो नीचे वाला होता है ना बॉटम साइड टॉप पे तो करवाते हैं लेकिन जो बॉटम नीचे होता है सरफेस पे हम उस पर नहीं करवाते हैं है ना उसे थोड़ा ना कभी कोई करवाता है ठीक है तो हम देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं टू एल बी प्लस बी एच टू बी एच प्लस टू एच एल अब टू एल बी में से हम एक एक हटा देंगे यानी कि क्या बचा हमारा सिर्फ वन एल बी या फिर आप एल बी भी बोल सकते हो तो हम इसमें एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच एल यूज़ करेंगे यही है फॉर्मूला जो हमें इसमें यूज़ करना है तरीका भी मैंने बताया आखिर क्यों ऐसा करवाया जा रहा है तो आप फॉर्मूला डाल देते हैं हमें अपना लेंथ पता है ठीक है ब्रेथ पता है हाइट भी पता है ठीक है फॉर्मूला भी हमें निकाला किस तरीके से कैसे पहले फॉर्मूला लिखा और क्यों आया वो भी मैंने आपको बताया इसमें ठीक है इस तरीके से हमारा आएगा अब हम इस सब इसमें वैल्यू सारी की पुट कर देंगे हमारी लेंथ क्या है उसको लिखो पहले फाइव इंटू फोर क्योंकि बर्थ हमारा फोर है प्लस ऐसे ब्रैकेट में करते रहो ये और इजी लगेगा टू इंटू ब्रर्थ है हमारा फोर इंटू थ्री ठीक है अब देखो ध्यान से सुनना एक मिनट एक मिनट आई थिंक अब नज़र आ रहा होगा आपको ठीक है एक मिनट अब थोड़ा वो नहीं होगा प्रॉब्लम थ्री इंटू फाइव आई थिंक इट इज गुड टू अंडरस्टैंड यू कैसे कर रहे हैं हम ठीक है अब फाइव फोर जर क्या होता है ट्वेंटी होता है राइट डाउन ट्वेंटी अब देखो फोर्थ थ्रेल्व ट्वेल्व टू जैर ट्वेंटी फोर ठीक है अब हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स थ्री फाइव जै फिफ्टीन फिफ्टी टू जैर थर्टी अब बताओ क्या आएगा आंसर आंसर है सेवेंटी फोर एम ओ राइट यस यू आर राइट स्टूडेंट्स कैसे अब उसको हमारा एरिया अब निकल गया सेवेंटी मीटर सेवेंटी फोर मीटर स्क्वायर ये है हमारा सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ठीक है हमने जो निकालना एक जो वॉशिंग वाली एरिया का निकालना है हमें ठीक है जो हम की निकाल दिए सिर्फ यही नहीं पूछा अब हमें फाइन द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स अब हमें कॉस्ट भी निकालना है जिसका रेट यहाँ पर दे रखा है आप सभी को अब उसको हम पुट करते हैं पर मीटर स्क्वायर पर मतलब वन मतलब इसको अब आपको नीचे करके दिखाते हैं ठीक है हमारा आंसर ये वाला निकल गया अब देखो स्टूडेंट्स हमारा क्या है वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रुपए सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो सी इन योर बुक स्टूडेंट्स की कितना रेट दे रखा है सेवन पॉइंट फाइव जीरो रुपीज़ अब देखो क्या है हमारा इतना रुपए लगता है अब हमें निकालना कितने रुपए का है मतलब कितने मीटर का निकालना है सेवेंटी फोर मीटर स्क्वायर का तो यहाँ पर वो लिख दो चीज़ सेवेंटी फोर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें नहीं पता और हम इसे निकालेंगे ऐसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि हम सेवेंटी फ़ोर को सेवन पॉइंट फाइव जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे सो यू हैव टू डू इट तो हमारा आएगा सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो इंटू सेवन पॉइंट सेवेंटी फ़ोर आप बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का बिल्कुल आंसर सही है दैट इज फाइव 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 रुपीज ठीक है बिल्कुल सही अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमें मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक आप सभी को ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा लाइन टू लाइन मीनिंग मैंने आपको अच्छे से बताई है अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें ठीक है इफ़ एनी डाउट या फिर कोई मिस्टेक हो ही आपसे तो आप यू कैन फॉलो मी एंड कमेंट थैंक यू